वज़ीरे आज़म की जानिब से फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने पर बतौर मुसलमान सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। वज़ीरे इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ ने एक्सप्रेस न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा, वज़ीरे आज़म ने इसराइल मुज़ालिम पर खामोश रहने वाले ममालिक को भी सहूलतकार करार दिया। शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर फ़लस्तीन का केस तगड़े अंदाज में लड़ा। आज बतौर एक पाकिस्तानी के और एक मुसलमान के मेरा सर फखर से बुलंद है। जो अरब ममालिक के डेलीगेशन में बैठे थे, जब उन्होंने कुरानी आयत सुनी अरबी के अंदर और उन्होंने जब सुना, उन्होंने ये कहा कि जो इस जंग में खामोश हैं और फलस्तीन के पे जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उस पर वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, वो इसमें सहूलतकार हैं। अगर इंडिया अग्रेशन दिखाएगा तो पाकिस्तान फैसला कौन फिर उसका जो है वो एक्शन करेगा। जिस तरीके से उन्होंने एक तगड़ा केस पाकिस्तान का लड़ा है, इस्लामोफोबिया की बात की है, तो ये उनके दिल की आवाज थी जो उन्होंने आज पूरी दुनिया के सामने रखी। और देखिए, फलस्तीन के कॉज के लिए महमूद अब्बास से आगे तो कोई नहीं है ना। उसने बाजू पकड़ के कहा कि शहबाज शरीफ मेरे भाई, आपने हमारी बहुत ही मदद की और बड़ी आवाज उठाई है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे हॉल में आज गवाही लोगों ने दी कि फलस्तीन के लिए इतनी तगड़ी, ऊंची और बा असर आवाज और नहीं थी कोई।